और बाहर जब चर्चा में वो नाम निकले तो बजाय किसी के ये कहने के कि इसमें कोई नाम गलत जुड़ गया, लोगों ने कहा इसमें से एकाध नाम छूट गया। दुर्भाग्य, न्यायपालिका शब्द तो संविधान का नाम है, वास्तव में ये न्याय के मंदिर है, जहां एक व्यक्ति आस लगाकर उम्मीद लगाकर जाता है। हमारे यहां तो पंच को परमेश्वर माना जाता है, न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश तो भगवान की मूर्ति होता है, लेकिन अगर वो भ्रष्ट आचरण के दोषी हो जाए तो क्या करें। लेकिन लोकपाल के दायरे में लाना समस्या का समाधान नहीं है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो सरकार ला रही है वो अकेला भी समाधान नहीं है। हमने उसमें अपनी ओर से एक सुझाव दिया है नेशनल जुडिशियल कमीशन का, और मैं आपको कहना चाहूंगा इस लोकपाल बिल के ऊपर एक राउंड टेबल हुई थी जिसमें जस्टिस वेंकट चलैया थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, जस्टिस जी एस वर्मा थे। उन्होंने इस नेशनल जुडिशियल कमीशन को मानते हुए, मान्यता देते हुए ये कहा था। पहले उन्होंने आज की जुडिशरी पर जो दुर्दशा है उस पर जो कहा, मैं पढ़ना चाहती हूं। रीसेंट डिस्टॉर्शंस इन जुडिशरी, सर्टेन डिस्टॉर्शंस एंड ग्लेयरिंग इनएडिक्वेसीज आर इंडेंजरिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ हायर जुडिशरी। इन रीसेंट ईयर्स सेवरल क्रेडिबल एलिगेशंस हैव बीन लेवल्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल जजेस while the judiciary on the whole is conducting itself with admirable dignity and propriety, the actions of a few black sheep are damaging the entire institution. Now is the time to press for genuine judicial reform. An honest judiciary enjoying full public confidence is clearly the need of our time. और उसके बाद उन्होंने judicial commission की बात की। जो national judicial commission के केवल दो paragraphs में पढ़ती इन छोटे छोटे, क्रिएशन ऑफ ए नेशनल जुडिशियल कमीशन फॉर ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, दिस मैकेनिज्म वुड कंबाइन द इंपैक्ट फ्रॉम द इलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द जुडिशियरी एंड चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। ये पहली रिकमेंडेशन। दूसरी, रिप्लेसिंग द प्रेजेंट कंबसम एंड अनसेटिस्फैक्टरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ इंपीचमेंट अंडर आर्टिकल 124(4) विद अ मोर इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ इरान जजेस फंक्शनिंग अंडर द एनजेसी फ्रेमवर्क। इन दोनों चीजों को कहते हुए उन्होंने कंक्लूजन दिया, द अबव प्रपोजल्स मेश हार्मोनियसली एंड सिनर्जिस्टिकली विद द प्रोविजंस कंटेंड इन द जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 नाउ इन द पार्लियामेंट। टुगेदर दे क्रिएट अ परमानेंट इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड बॉडी टू एंश्योर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नेशनल ओवरसाइट कमेटी एंड स्क्रूटनी पैनल्स। ये हमारा सुझाव है प्रधानमंत्री जी कि जहां तक न्यायपालिका का सवाल है उसे लोकपाल के नीचे करने के बजाय एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाइए जो जजेस की नियुक्तियों पर भी और उनके पदमुक्त होने के भी तरीके तय करे, प्रावधान तय करे, और हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी न्यायपालिका आए जिस न्यायपालिका पर कुछ प्रश्न चिन्ह न लग सके। दूसरा विषय, ये बचाने का नहीं ज्यादा प्रभावी तरीका है अध्यक्ष जी, तीसरा विषय है सीबीआई का। जन लोकपाल बिल कहता है सीबीआई के एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के नीचे कर दो। बहुत दिनों से हम शरद जी सीबीआई को स्वायत्त बनाने की बात कर रहे हैं कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। हमने बहुत बार आपके पास नोटिस दिया कि हम सीबीआई के दुरुपयोग पर चर्चा करना चाहते हैं, किसी ना किसी कारण से वो चर्चा टलती रही। लेकिन सीबीआई का दुरुपयोग जाने देखने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहां बहुत भुक्तभोगी बैठे हैं जो सीबीआई के हाथ देख चुके हैं। मेरे बराबर में बैठे हैं यहां के सबसे वरिष्ठ सांसद आडवाणी जी, हवाला का एक केस बना दिया। सार्वजनिक जीवन में शुचिता की पराकाष्ठा कहते हुए उन्होंने कहा मैं संसद के परिसर में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि मैं इससे बाहर नहीं हो जाता। मेरे पीछे बैठे हैं यशवंत सिन्हा, सीबीआई ने हवाला का केस बना दिया। वो बैठे शरद यादव, जिंदगी लगा दी सीबीआई ने हवाला का केस बना दिया, क्या निकला? जीरो, जीरो। वो मदनलाल खुराना दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके, सीबीआई ने हवाला का झूठा केस बना दिया।
सारे प्रतिपक्ष के नेताओं को देख लीजिए और उधर देख लीजिए, सारे प्रतिपक्ष के नेता कहीं ना कहीं सीबीआई के शिकंजे में फंसाए जा चुके हैं। लालू यादव, मुलायम भाई, जयललित, हम नहीं फंसाए। असत्य भाषण मत करिए, असत्य भाषण मत करिए, असत्य भाषण मत करिए। वो देखिए, दक्षिण की पार्टियों में मैडम जयललिता एक जगह से प्रारंभ हो जाएगी, एक जगह से। पंजाब जाओ तो बादल परिवार, हरियाणा जाओ तो चौटाला परिवार, यूपी जाओ तो दोनों मुलायम भाई भी, बहन मायावती भी। सारा भ्रष्टाचार प्रतिपक्ष में हो रहा है और सारे के सारे दूध के धुले उधर बैठे। और अध्यक्ष जी, एक ताजा उदाहरण तो इतना भयावह है, जगनमोहन रेड्डी का। कल तक कांग्रेस के सांसद थे, उनके पिता वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस नेतृत्व के बहुत चहेते मुख्यमंत्री थे, नजदीक थे, सबसे प्यारे थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस छोड़ी, ले सीबीआई की रेड और ले सीबीआई का केस। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ? अध्यक्ष जी, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, जीते जी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जीते जी संबंध इतने अच्छे और मरने के बाद अभियुक्त बना दिया, मरने के बाद अक्यूज के कॉलम में डाल दिया। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस कौन सी पवित्र गंगा है जिसमें जब तक डुबकी लगाते रहो तब तक साफ सुथरे और दूध के धुले और बाहर निकले नहीं के भ्रष्टाचार के पुतले। लोग कहते हैं कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं कहती हूँ नहीं। जैसे ही कोई वोट की विधा आ जाए हाउस में, शरद भाई मुझे कहते रहते हैं, सुषमा जी वोट की विधा में चर्चा मत कराया करो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे कई भाइयों पे तलवार लटक जाती है। तो मैंने कहा हाँ, सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, सीबीआई कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आया आप सामने अध्यक्ष जी, अभी कैश फॉर वोट का केस बना। अमर सिंह चार्ज शीटेड, सुधींद्र कुलकर्णी चार्ज शीटेड, हमारे दो एक्स एमपी चार्ज शीटेड, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे, जिनकी सरकार बची थी, वो सारे बरी। ये है सीबीआई, ये है सीबीआई। अगर अमर सिंह कर रहे थे तो किसके लिए कर रहे थे? जिन्होंने विसल ब्लोअर का काम किया, हम लोकपाल में विसल ब्लोअर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने विसल ब्लोअर का काम किया वो दोषी, वो अपराधी। और जिनकी सरकार बची, जो लाभार्थी हुए, जो बेनिफिशियरी बने, वो बरी। ये है सीबीआई का कॉन्डक्ट। इसलिए हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन की बजाय
एक स्वायत्त संस्था बने, और अगर जन लोकपाल चाहता है कि एंटी करप्शन विंग लोकपाल के नीचे कर दिया जाए तो हम सहमत हैं। अध्यक्ष जी, फिर आती है अधिकार क्षेत्र में एमपीस की बात, सांसदों की। अभी नेता सदन ने बात करते हुए कहा कि हम जो बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करें। हम जब यहां आते हैं तो संविधान की शपथ लेकर आते हैं, हम कोई भी सुझाव संविधान के बाहर नहीं करेंगे। संविधान की धारा 105 सांसदों को इम्यूनिटी देती है हाउस के अंदर के व्यवहार और आचरण के लिए, वो इम्यूनिटी बनी रहनी चाहिए। ये हाउस सुप्रीम है, और मैं ये भी कहना चाहती हूं इस हाउस ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हुए भी अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई। इस हाउस ने प्रश्न पूछने के बदले मात्र 5,000 रुपए की राशि के आरोप में, आरोप कह रही क्योंकि कोई जांच नहीं हुई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, हाउस कमेटी ने केवल जांच की थी, लेकिन मात्र 5,000 रुपए की राशि लेने के आरोप में इन दोनों सदनों ने मिलकर 11 सांसदों को राजनीतिक सदस्यता से, इस सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया, उनके राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिए। ये ताकत है इस हाउस के अंदर, ये ताकत है इस सदन के अंदर। लेकिन यहाँ तक बाहर के आचरण का सवाल है, बाहर तो हम लोग ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, साधारण नागरिक के, बाहर हम पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू है। नरसिम्हा राव जी की जजमेंट के बाद हमारा बाहर का आचरण पब्लिक सर्वेंट बन गया, तो इसलिए बाहर का आचरण लोकपाल के घेरे में आए उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंदर का आचरण हाउस इसमें सुप्रीम होना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष जी मैं आती हूँ इसकी कंपोजिशन पर, क्योंकि प्रभावी लोकपाल के लिए ये सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है कि वो चुना कैसे जाए। कोई भी कॉम्पोजिशन सिलेक्शन कमेटी की अगर ऐसी होगी जिसमें सरकारी पक्ष का बाहुल्य होगा तो उसमें से सरकारी लोकपाल निकलेगा, क्योंकि इसका मेरे से ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव किसी को नहीं है कि जिस कमेटी में सरकारी लोग बहुलता में होते वहां क्या होता है।